नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। भूल से भी आपको अपने पूर्वजों का चित्र अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर खुशियां नहीं देगी दस्तक। ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ऐसे 4-5 वीडियो यूट्यूब पर ही देखे, आप में से भी बहुत से लोगों ने अवश्य देखे होंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अपने पूर्वजों का चित्र आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। और जब उस वीडियो को मैंने देखा तो उसके अंदर जो तथ्य बताए जा रहे थे वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। उन सभी वीडियो के अंदर सेम बात कही जा रही है कि आपको अपने पूर्वजों का चित्र अपने घर में इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यदि आप अपने पूर्वजों का चित्र अपने घर में लगाएंगे तो आप उनको देखकर आपको उनकी याद आएगी, और जब आपको उनकी याद आएगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इन वीडियोस को देखकर मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और बहुत अचंभा भी कि आखिर हमारे देश को हो क्या रहा है। पहले ही लोग हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और जो थोड़ी बहुत संस्कृति हमारे देश में बची है उसे ये लोग दूर करने के अंदर लगे हुए हैं। इन लोगों से, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, उनसे तो मैं ये प्रश्न पूछना ही चाहूंगा, साथ में आज आपसे भी एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगा। क्या सच में जो हमारे घर में जो पूर्वजों का चित्र लगा हुआ होता है उसी को देखकर हम दुखी होते हैं? अगर ऐसा सच में है भी तो फिर जो आंतरिक आत्माओं से किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है इसकी आवश्यकता ही कहाँ है? अंतरात्मा की आवश्यकता ही कहाँ है यदि हम किसी का चित्र देखकर दुखी या प्रसन्न होते हों? जिन पूर्वजों का स्वर्गवास हो चुका है उनकी यादें हमारे रोम रोम में बसी है, उनका रक्त आज हमारे शरीर के अंदर संचरण कर रहा है, जिनके नाम से हम जाने जाते हैं, इन महाशयों के अनुसार उनका अस्तित्व आपके घर से हटा दो तो आपको उनकी याद आना बंद हो जाएगी। कितनी बड़ी और अजीब सी बात है। जिन दादा दादी, जिन माता पिता की गोद में खेल कूद कर हम बड़े हुए, उन्होंने खुद ना खाकर हमको खिलाया, खुद ना पहनकर हमको पहनाया, खुद के भौतिक सुखों को मारकर हमें समस्त प्रकार के भौतिक सुख दिए, उनका अस्तित्व आपके घर से हटा दीजिए। क्योंकि यदि उनका चित्र आपके घर में रहेगा तो आपको उनकी याद आएगी, और आपको याद आएगी तो आप दुखी हो जाएंगे। मतलब कुछ भी वीडियो बना दो, बस वीडियो बना दो। अगर एक बार मान भी ले कि जो ये महानुभाव अपना ज्ञान बांट रहे हैं कहीं ना कहीं सत्य हो सकता है, तो फिर शास्त्रों के अंदर ये क्यों कहा गया कि श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का पूजन अवश्य करना चाहिए? अगर ये अपनी जगह सत्य है तो फिर शास्त्रों के अंदर ये क्यों कहा गया कि पूर्वजों का पूजन सदैव अपने घर की दक्षिण दिशा में करना चाहिए? अगर ये कहीं ना कहीं सत्य है तो फिर ये क्यों कहा गया कि जो सृष्टि पे 33 कोटि के देवी देवता हैं वो सभी के लिए समान है, किंतु जो हमारे पूर्वज हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है वो हमारे घर के देवता होते हैं, जिन पूर्वजों के नाम से हमें जाना जाता है, जिन पूर्वजों का रक्त हमारे शरीर में संचरण कर रहा है, उनका अस्तित्व हटा दीजिए ताकि जब आपके बेटे बेटी पोते पोती होंगे तो उन्हें ये तक ना पता हो कि हमारे दादा दादी कौन थे, हमारे परदादा दादी कौन थे, किस प्रकार की स्थिति ये लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। मित्रों, शास्त्र स्पष्ट रूप में कहता है कि 33 कोटि के देवी देवता जो समस्त ब्रह्मांड के अंदर बसे हुए हैं वो सभी के लिए समान है, किंतु जो आपके घर के देव हैं वो आपके पूर्वज होते हैं। उनका जिस भी घर में पूजन होता है पूर्ण श्रद्धा भाव से उनके निमित्त दान पुण्य किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में उनकी जो पुण्यतिथि आती है उसके ऊपर आप गरीबों में दान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो आपके घर के देव होते हैं और सदैव आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की कामना करते हैं, और ये कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व आपके घर से हटा दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी भ्रांतियों से दूर रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये साक्षात मित्र के स्वरूप में परम शत्रु का कार्य कर रहे हैं। जिस स्थिति को ये प्रकट कर रहे हैं साक्षात एक तरीके से हमारे पूर्वजों को गाली देने जैसे समान शब्दों का प्रयोजन है कि उनका अस्तित्व आपके घर से हटा दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी भ्रांतियों से आप दूर रहें, आपके पूर्वज आपके घर के देव हैं, उनका यथासंभवत पूजन करें, दान करें, उनके निमित्त भोजन दान करना, वस्त्र दान करना, अन्यत्र जो भी स्थिति आपके लिए संभवत हो सकती है उनका दान करें, श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त पूजन पाठ करें, दक्षिण दिशा में यदि आपके घर में पूर्वजों का चित्र आपके पास है तो उसको सदैव दक्षिण दिशा में रखें, उनको सुबह उठते ही प्रणाम करें, शाम को प्रणाम करें, अमावस्या के दिन उनके निमित्त घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने जलपात्र के स्थान पर सदैव उनके लिए जलपात्र रखें, फिर देखिएगा आप कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर पाते हैं। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी भ्रांतियों से हमको बचना आवश्यक रहेगा यदि हम हमारी आगामी पीढ़ियों को किसी भी प्रकार के अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए।